सबसे पहले तो नमस्कार, आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यूके पाणी ब्लॉग से आपको दिखाने वाला हूँ आज ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ होने वाला है माँ का जागरण, जहाँ काफी लोग आने वाले हैं। इसमें पन्नू भाई है हमारा और मुकेश कटैच जी हैं और आशा जी हैं और साथ में हमारी सबसे सुप्रसिद्ध कलाकार नन्नी कलाकार शगुन उनियाल। तो काफी चीज आपको देखने को मिलेगी मेरे ब्लॉग के अंदर और पार्ट टू पार्ट अपडेट होंगे और जिसमें आपको बने रहना पड़ेगा। और प्लीज जितने भी लोग हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार दो यार, ज्यादा ज्यादा संख्या में आप ज्यादा से करें और मैं दिखाने वाला हूँ हर चीज आपको जो उत्तराखंड के कल्चर से जोड़ कर रखूंगा। तो चलो बने रहते, आगे बातें ना करते, हमारे लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं वहाँ। Oh,
आज मोहन नगर गार्डन के अंदर काफी लोग आके उपस्थित नजर आ रहे हैं, काफी लोग आते जाते नजर आ रहे हैं, काफी भीड़ क्राउड है और चलते किस प्रकार से यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है और सारे यहाँ माता बहने बैठे हैं आज काफी करने वाले हैं, जागरण करने वाले हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पे भक्ति लोग जो है कल यहाँ पे खड़े हैं, एक अच्छा इन्वर प्रार्थना लगा सकता है कि माता यही पर से बार बार करने वाली है। तो यहाँ पे काफी है संस्था के लोग हैं सारे जुड़े आज छोटी बच्ची है यहाँ पर काफी अच्छा है यहाँ पर और यहाँ हमारे बीच में और माता मैंने पहुंची है उपस्थित है सारे लोग यहाँ पर ये चाहिए, बहुत सारे प्यारे वाले बच्चे
भारतीय जनता पार्टी के ये मंडल अध्यक्ष हैं, हमारी टीम के कैप्टन हैं। आप अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। एक बार इसको ले चलते हैं दोबारा पन्नू भाई के हाथों में। और गढ़वाल रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह रावत जी और पूरी टीम एक बार माँ भगवती के चरणों में आ जाए। हमारी समिति चाहती है जो उनका सम्मान भी हो, जो कि परंपरा है समिति की। और आप उत्तम नगर की सबसे विशाल रामलीला है ये, जरा तालियां जोरदार, सबसे बड़ी रामलीला और अपने आप में ये ऐतिहासिक रामलीला होती है। बड़े धर्म का प्रचार एक मंच के माध्यम से और ऐसे महानुभवों का सम्मान इस मंच में होना बहुत जरूरी है। तो जितनी भी टीम है हमारी रामलीला कमेटी समिति के सभी का यहाँ पर स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत अच्छा लग दू जब हमारा अपना लोग हमारा धर्म थे उनको प्रचार कर देना मंच का माध्यम से, रामलीला का माध्यम से, एक बहुत बड़ू विशेष। और मैं चाहता हूँ कि समिति भाई मुझसे पहले मेहमानों का जो स्वागत किया जाए और जो परंपरा है उत्तरांचल कीर्तन मंडली की उसको पूरी तरह। और माँ भगवती की डोली यात्रा में अगर ढोल तमो यहाँ पे आए हैं, गेट पर खड़े हो जाए। संस्कृति के प्रचारक हैं और मंच के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से हर वर्ष श्री राम की याद हमें दिलाते हैं। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उसको आगे बहुत अच्छे तरीके से प्रचार करते हैं मंच के माध्यम से। और आप सभी बधाई के पात्र हैं और आज माँ भगवती के चरणों में। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइए कि कौन सा ग्रुप है आपका जो आपने आज एक ट्रेडिशनल ड्रेस में बनाया? उत्तरांचल कीर्तन मंडली। कितनी 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 महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं आपके संग? 20 महिलाएं। तो आज 20 महिलाओं ने ये कार्य किया, क्या किया मतलब क्या? लेकिन कोई भी महिला नाचने को तैयार नहीं, क्या बात है इसका? बुड्ढे हो गए तो घुनुम पे रह दो द्वार। हमें पहाड़ा लोग नहीं है ना घुनुम पे। चलो ठीक है, एक बार जय माता दी बोलिए। जितने भी पंडाल में उपस्थित हैं